आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मेरा वजन संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक आखा तीज की कथा लेकर आई हूँ। आज आखा तीज है। एक जाट था, एक ब्राह्मण था। जाट के एक ही संतान थी। ब्राह्मण के पांच पुत्र थे। पांचवा पुत्र भगवान परशुराम था। वो बैसाख की आखा तीज को जन्म हुआ था। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। ब्राह्मण में और जाट में दुख सुख की अपने बातें करते थे। जाट का परिवार छोटा था, अनाज थोड़ा बहुत होता उसमें गुजारा हो जाता। ब्राह्मण का थोड़ा बड़ा परिवार था तो उसमें उसका गुजारा नहीं होता, तो जाट उसका थोड़ा बहुत साथ दे देता था। कई साल हो गए बारिश नहीं हुई, काल पड़ गया। अब ब्राह्मण का गुजारा नहीं चल पा रहा। अब जाट मदद उसके बोला, अब मेरे पास नहीं है, मेरा गुजारा नहीं होता, मेरे खुद का नहीं होता, तेरे को मैं कैसे दूंगा, तो ऐसे कर शहर में चले जा और अपने बच्चों का पालन पोषण शहर में कर लेना। ब्राह्मण गाड़ी लेके शहर में आ गया। वो जमीन को जाट को दिया, या कर मैं वापस आऊंगा जब मेरी जमीन को मैं ले लूंगा। शहर में रहने लग गया। 2-5 साल 10-5 साल शहर में रहा। वो ब्राह्मण शगुन करता था, कोयल से, चिड़िया से, किरकाट से शगुन करता था। भाई अब के बारिश होएगी, अब के फसल होएगी, इस तरीके शगुन करता था। तो जमीन बारिश होने लग गई, जमीन उपजाऊ हो गई, खूब फसल होने लग गई। उसने ब्राह्मण बोला, करे अब गांव चल के रहेंगे, फसल अच्छी होने लगी है। उसके बेटे भी राजी हो गए गांव जाने के लिए। गांव आ गए, घर मकान घर तो था ही, बाहर जाड़ी काट के आप रहने लग गए। अब उधर जाट को मालूम पड़ी, भाई ब्राह्मण आ गया, ये जमीन वापस लेगा। जमीन के मन में उसके जाट के जमीन देने की मन में नहीं थी। अब वो क्या उपाय सोचता है, बेटा को समझाता है, कर तुम ऐसे करो, इस जमीन में खड्डा खोद के मैं तेरे को बिठा दूंगा, और ब्राह्मण पूछेगा ये जमीन मेरी है तो बोलना मत, मैं बोलूं तो हाँ कर देना, 3 दफे पूछूंगा, आवाज पहचान लेना। बेटा समझ गया, खूब गड्ढा खोद गया, उस बेटा को उसमें बिठा दिया, बेटा को समझा दिया, लोटा पानी का रख दिया। पंचायत बुला ली, ब्राह्मण बोला मैं पंचायत बुलाऊंगा, पंचायत बुला ली, पंचायत आ गई। जाट बोला, बोले ब्राह्मण आवाज लगा, जमीन को आवाज लगा, अगर ये बोल जाएगी हाँ कर देगी तो जमीन तेरी है, और मैं आवाज लगाऊंगा तब ये बोलेगी तो जमीन मेरी है। पंचायत ने भी हाँ कर दी, ब्राह्मण ने आवाज लगाई, ये जमीन मेरी है, ये जवान मेरी है, ये जमीन मेरी है। जमीन ने कोई आवाज नहीं, हाँ नहीं करी। फिर जाट ने आवाज लगाई, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। उसने हाँ 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 3 दफे उसने हाँ कर ली। सब बोलने लग गए, मैंने आवाज दी तो जमीन बोली हाँ करी, इसने जवाब दिया तो जमीन नहीं बोली, तो जमीन मेरी हुई। पंचायत ने भी फैसला कर दिया, जमीन जाट की है। अब ब्राह्मण था, ऐसे ही जमीन थोड़ी छोड़ देगा, मेरे को एक लोटा पानी का लेके आओ। बोले प्यास लग रही, नहीं मेरे को प्यास नहीं लग रही, एक लोटा पानी का लेके आओ। उसको लोटा पानी का दे दिया, हाथ में लेके संकल्प करने लगा, हे धरती माता आप बोली हो तो संकल्प नहीं लगेगा, इसमें कुछ और बैठा हो और हो संग, वो उसने हाँ करी हो तो ये
इसी में भस्म हो जाएगा। संकल्प देके ये बोल दिया, फैसला हो गया, पंचायत उठ गई, घर आ गए। अब वो आंधी अंधकार खूब तूफान आया, वहां पे कोई झाड़ झीकड़ कुछ रखे थे ऊपर उगाया था कुछ, वो खूब माटी का टीला हो गया, वहां पे खूब ढिंगास लग गया खूब। सेठ जाट बोला करे, जाटनी क्या बनाया है, मैं बेटा को लेके जाऊं खिला के आऊंगा। जाटनी बोली, आज आखा तीज है, परशुराम भगवान का जन्म है, आज मैंने चूरमा बनाया है। तो बोले, मेरे जल्दी सी दे, मैं बेटा को लेके जाऊंगा, छोरा को खिला के आऊंगा, तब मैं भी चलूंगी। दोनों आ गए, आर के नहीं खेत पे आके देखे, जमीन में आके देखे तो खूब टीला हो रहे, ऊंचा ऊंचा खूब टीला हो गए, खूब लोट पलेंड होकर खूब ही आवाज लगा ली। जमीन माता धरती माता प्रगट होके उस जाट को बोली, तेरा पुत्र मेरी गोद में समा गया, तूने ब्राह्मण की जमीन हड़पी है, तेरी नीत खराब हो गई। नीत खराब हो गई इसलिए ये पुत्र मेरी गोद में समा गया। सब कोई कम है तो कम खा लेना, ज्यादा है तो ज्यादा खा लेना, किसी के धन की कोई आस मत करना। हे धरती माँ परमेश्वरी, हम इन पैरों से आपके ऊपर चलते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। ये आखा तीज।